लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बस चले तो मैं गंगाराम को पलकों में छुपा लूं। ना बच्ची की गोलियां उसे देखे, ना उसके लिए लड़ाई झगड़ी। तीर सियाल की है तू, सोनी मईवाल की है तू, रानी ख्याल की है तू, गोरी कमाल की है। मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम। मेरे होंठों पे लिखा है हर गोरी का नाम, जिससे लगाए उससे निभाए कह गए गंगाराम। हो मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम, हम तेरे हैं गुलाम, हम तेरे हैं गुलाम। मोती पे
कहना उसको भी, जिसने खाली घड़ा उठाया उसको भी, उसने गले में हार सजाया उसको भी, इसने मुझको हंस के दिखाया इसको भी, इनकी खातिर दिन निकले और इनकी खातिर शाम, जिससे लगाए उससे निभाए कह गए गंगा राम। ओ मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम। आंख है देखी हाँ लुधियाने की, रंग है देखा पटियाले का, उसने देखा है चंडीगढ़ का नखरा शहर अंबाले का, हरियाणे की बोली सुनकर दिल को मिले आराम, जिससे लगाए उससे निभाए कह गए गंगा राम। ओ मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम। यमुना घर चल, ये शर्म घर चल। चाहे टांगे मेरी तोड़ो जाऊंगा नहीं, चाहे कुएं में भी फेंको जाऊंगा नहीं, चाहे मेरा सब कुछ लूटो जाऊंगा नहीं, चाहे मेरा माथा फोड़ो जाऊंगा नहीं, अब तो उठ के जाऊंगा नहीं, चाहे हो जाए कत्ले आम, जिससे लगाए उससे निभाए कह गए गंगा राम। हम मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम। चल और रो अपने कर्मों को बापू, तब जब बापू का कहना माने। मैं मजबूर हूँ बापू, मेरा दिल नहीं मानता। ऐसे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दे जो बुजुर्गों की इज्जत को नीलाम करे। मेरी समझ में नहीं आता तू कैसे मेरे खानदान में पैदा हो गई है वैरने। तू मेरे खानदान की इज्जत बस्ती की गलियों में नीलाम करती फिरती है। कमबख्त सारी दुनिया की नजरें मेरे ऊपर उठती है और मैं किसी से नजर नहीं मिला सकता। तूने कहीं कहा नहीं रखा मुझे। तू मुझे विदा क्यों नहीं कर देता बापू, मुझे गंगा से प्यार के। खबरदार गंगा का नाम ना लेना बापू। मेरे होते हुए ये गंगा तुझे नहीं मिल सकता। जो तूने ज्यादा जिद की तो तेरी हड्डियां तोड़ तोड़ कर गंगा में बहा दूंगा। देर न कर बापू, बहा दे मेरी हड्डियां गंगा में, रहूंगी तो गंगा की गोद में। जमना तू कितना पत्थर दिल है बापू, अपने लड़ने के आंसू देख कर भी नहीं पिघलता। अगर आज मेरी माँ होती तो मेरे आंसू अपनी पलकों में छुपा लेती और मेरी खुशियां मेरी छोली में डाल देती। तेरी ये खुशियां तेरे माँ बाप के लिए जहर, और मैं ये जहर पी नहीं सकता। अच्छा हुआ कि तेरी माँ इस दुनिया में नहीं, नहीं तो तेरे ये लक्षण देख के वो जरूर जहर पी लेती। पर मैं कितना मजबूर हूं कि मैं तुझे अकेला छोड़कर मर भी नहीं सकता। ओ मेरे राम, यह तो किसी को लड़की ना दे, जो लड़की दे तो उसे प्यार का रोग ना लगा। अगर प्यार का रोग ही लगाना है तो माँ बाप को देखने के लिए जिंदा ना रख, जिंदा ना रख। अरे ममता जी, सेठ जी, अरे बस्ती वालों, तुम्हारे ऊपर आसमान टूटे, तुमको कौर फूटे, मेरे मासूम बेटे का क्या हाल कर दिया है। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो, इसे अंदर ले चलो।
गरम गरम चोटों का इलाज हो सकता है। अगर ये चोटें ठंडी पड़ गई तो गंगाराम भी ठंडा पड़ जाएगा। इसे दूध पिलाओ गरम गरम। किसका दूध पिलाओगे? और चुप कर सुअर कहीं के। अरे वाह भाई गंगाराम। ममता, अबे ममता। आया सेठ जी। हल्दी मिलाइए कि नहीं? सेठ जी दूध में इतनी हल्दी मिला दी है कि गंगा 50 बार भी मार खा के आए तो भी पूरी है। और फटा मुँह, चल गंगा को पिला दे। चलो चलो। ओ गंगा, गंगू, ओ गंगा, हम तो बाहर काम पर लगे थे, ये किस बाजू से निकल गया? सेठ जी गंगा गया जमुना के द्वारे। तो मैं किसके द्वारे जाऊँ? सेठ जी ये दूध मैं पी लूँ? अरे नहीं हराम खोर, ढक कर रख दे, वो अभी मार खा के आ रहा होगा। गंगा रात सपने में मुझे रब मिले। रब? फिर क्या हुआ? वो मुझे सोने के पहाड़ दिखा के कहने लगे ये सब तेरे लिए है। तो मैंने कहा मैं सोने के पहाड़ नहीं चाहती, मुझे सिर्फ मेरा गंगा चाहिए। गंगा जमुना, तुझको पता है रात को रब मेरे सपने में भी आया। फिर मुझको हूर और परियां दिखा के कहने लगा गंगा ये सब हूर और परियां तेरी। मैंने कहा रब्बा तेरी हूर परियों को तो मेरा सलाम, मगर मुझे तो अपने दिल की परी चाहिए। वो कौन है? मेरी जमुना, मुझे अपनी जमुना के सिवा कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। जमुना? जमुना? क्या हुआ? तेरे बापू ने गंगा के खिलाफ पंचायत बुलाई है। लो ओ कस्तूरी, हमें ना इसके बाप की परवाह है तो ना उसकी पंचायतों की परवाह है, हमें तो रब की पंचायत से प्रेम करने की परमिट मिली हुई है। तू ऐसी बातों की फिक्र न कर, जा तू अपने प्रेमी को जाके मिल, ये प्रेमी गंगाराम को मिल रही है। चरणदास, तेरा बेटा गंगाराम हमारा सांड बनकर दिन रात बस्ती की गलियों में घूमता और गाता रहता है। तू राय बहादुर पैदाइशी मूर्खोर है, तू मेरे बेटे के रंग बिरंगे गाने सुनता है, कभी उसे कोड़ी भी नाम दिया? इनाम? उस कमीने को इनाम दू जो बस्ती की जवान लड़कियों को अपने पीछे नचाए फिरता है? अरे जवान लड़कियों में नाचे की ताकत है इसलिए तो नाचती फिरती है ना। लो अपने कानों सुन लो इसका बयान सरपंच जी। चरणदास, राय बहादुर को ये शिकायत है कि उनकी इकलौती जवान लड़की जमुना गंगाराम के पीछे पागल हो गई है। पागल हो गई है तो पागल खाने ले जाओ। ये कहो जमुना गंगा और नहीं बहेगी तो किस और बहेगी? उसमें मेरे गंगे का क्या दोष है? उस जमुना को रोको। लड़कियों को रोक रोक कर थक गए, आज तुम्हें आखिरी बार समझाने आए हैं। अब बस्ती में फिर गंगा के गाने की आवाज आई, उस पागल ने कोई भी लड़की अपने पीछे लगाई उसकी कार देंगे पिटाई, फिर न देना दुहाई। अरे तुम हंस रहे हो? ये बात ही हंसने की है, गंगाराम के गाने की ये तुक सुन सुन कर तुम भी तुक बंद बन गए हो। चरणदास तेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे। मेरे को तेरे संग प्यार है। तुम मुझसे प्यार करने वाला कौन है रे? मंगता रे, तेरे प्यार का मंगता। मुझे तेरे से बिल्कुल प्यार नहीं। हाय मुझे तुझसे प्यार है, मैं तो प्यार का भूखा हूँ, प्यार की भीख दे देना। ममता क्या कर रही है प्रिय? कस्तूरी, हाय कस्तूरी, घूर घूर के ना मुझे देख क्यों मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट कर रही है। हाय जरा हाथ देना। हाय ये देख मेरा दिल धक 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 तेरे प्यार में कर रहा है। हट पागल, तेरा दिल है कि घंटा घर, हट परे पागल। हाय हाय कस्तूरी देख मेरी मजबूरी, दूर कर दे दूरी अब तो देख मेरी मजबूरी। हाय हाय गंगा तू मेरी बेटी जमुना से शादी करेगा? ओए राय बहादुर जी तुम्हारे मुंह में घी और शक्कर, मैं तो कहता हूँ गंगा और जमुना का संगम करा के तुम भी त्रिवेणी में स्नान करके अपने पाप धो लो। मेरी एक शर्त है। एक शर्त? अजी हजार शर्तें पूरी करूंगा। कहो तो फरहाद बन के पहाड़ों से नहर खोद ले आऊं, कहो तो सूरमा बन के जमुना को स्वयंवर में जीत के दिखा दूं। ये डींगे छोड़ दे, तू रेलू पहलवान से लड़के और उसे हरा के दिखा दे, ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि मेरा जवाई चाहे फक्कड़ है पर है तगड़ा। अजी तगड़ा? ऐसा तगड़ा कि रेलू पहलवान को धक्का मार के ना रेल की पटरी पर चित कर दूंगा, उस पर से इंजन लगा दूंगा। वाह खुश कर दिया, जा कर तैयारी फिर। ओ बल्ले बल्ले। ओ मोहन। हाँ जी। एक काम करो। हाँ जी। ये रेलू पहलवान को 500 रुपए दे देना। हाँ जी। और उससे कहना कि गंगा के हाथ पैर तोड़ दे। जरूर सरकार। ये लो पकड़ो गिन लो और जाओ जल्दी करो। अच्छा सरकार। तेरे पापा ने गंगा की मौत का पूरा पूरा बंदोबस्त कर दिया है। हाँ मैं मरवी। वो किस तरह? उन्होंने तेरी और गंगा की शादी में एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? तेरे पापा ने गंगा से कहा है
कि जब वो रेलू पहलवान को कुश्ती में हराएगा तभी उन्हें तुम दोनों का ब्याह मंजूर होगा। आग लगे मेरे ब्याह को, मेरा गंगा मारा जाए और मैं ब्याह को रोती फिरूं, मैं नहीं होने दूंगी, मैं नहीं होने दूंगी। जमुना, गंगा, जमुना, गंगा तू कहाँ जा रहा है? दंगल लड़ने, तेरा स्वयंवर जीतने चला। नहीं गंगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। दीवानी, लोग लड़ाई पर जाते हैं तो उनकी माशूकाएं उन्हें हंस हंस के विदा करती हैं, और तू हमें रोक रही है। तू मेरे बापू की चालाकी को नहीं जानता। चालाकी? वो रेलू पहलवान है, रेलू तेरे हाथ पांव तोड़ देगा। ओ दीवानी, तूने हमें मिट्टी का खिलौना समझा है जिसको रेलू पहलवान जमीन पर फेंक के तोड़ देगा? वो बहुत तगड़ा है। वो तो हम किस बात से कमजोर है, और वो रेलू तो अकेला है, और हमारे साथ हमारी माशूक का प्यार है, जिसके सामने तेरा पिता नहीं खड़ा हो सका तो ये रेलू क्या खड़ा होगा? उसको तो मैं रेल का डब्बा बना दूंगा। सच गंगा? सच मेरी जान, अपने प्यार पर भरोसा रख, समझी? मेरे सामने रेलू तो क्या, रब भी आ गया ना तो उसको उल्टा दूंगा। अगर ये सच हो तो मैं सारे गांव में असली घी के लड्डू बांटूंगी। लड्डू बांटूंगी? पर दो लड्डू मेरे लिए रख लेना। वो कौन से है? लड्डू बांट दी गली से मैं तो जाऊं,
मैं तो नाच नाच खुशियाँ मनाओ मनाओ मैं तो नाच नाच ये दंगल रुस्तम जमान रेलू पहलवान या मेरे दादा और दर्शनी पहलवान प्रेमी गंगाराम के साथ होगा या मेरे दिलदारा। इन दोनों में से जो जीतेगा उसे राय बहादुर जी की सुंदर सी लड़की जमुना वरमाला पहनाएगी। अब दोनों पहलवान मैदान में आ जाएं। आजा बेटा आजा दूर न जा आजा बेटा आजा। दर्शनी पहलवान कपड़े तो उतार ले। और कपड़े तो हमने गामा पहलवान के टाइम भी नहीं उतारे, तेरे जैसे रेलू पहलवान को तो हम ऐसे ही रेल की पटरी पे लिटा देंगे। तो फिर हम उतार देंगे तेरे कपड़े। अरे देखते क्या हो, पंजा लड़ाओ और कुश्ती शुरू करो। गंगाराम की गर्दन घूम गई। गंगा को खिला दे। भांग का कौन सा है? ये भांग का है, ये जाके उसे खिला दे, इसे खाते पहलवान लेट जाएगा। Thank you.
ये क्या अन्याय है, मेरे बेटे को लोगों ने इतना मारा है कि लाश ही अकड़ गई है। पापा जी, इसका नहीं, रेलू पहलवान का मुर्दा अकड़ गया है, जिसे गंगा ने हरा दिया। रेलू पहलवान को गंगे ने हरा दिया है? शाबाश बेटा, अब मैं तेरा दंगल किंग कॉन्ग से करवाऊंगा। बापू, ये दंगल तो मैंने किया था जमुना से ब्याह करने के लिए, अगला दंगल तुम अपना ब्याह करवाने के लिए करवा रहे हो? चुप कर। आओ बेटे गंगाराम, रेलू पहलवान को हरा के स्वयंवर तो तुमने जीत लिया, पर एक बात का ख्याल रहे कि मैं हूँ राय बहादुर और पंचायत का पंच, इसलिए चट मंगनी पट ब्याह नहीं कर सकता। मैं तो अपनी बेटी का ब्याह धूमधाम से करूंगा। धूमधाम से करोगे? पर राय बहादुर जी, दंगल तो मैंने जीता है और ब्याह तुम धूमधाम से कर दोगे? ले आओ तो फिर धूमधाम को दंगल में, जो मैं उसकी पीठ ना लगा दूं तो कहना। अरे बेटा, ये बात नहीं तो मेरा मतलब है, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के तुम्हारा ब्याह इस तरह करूंगा कि सारी बस्ती याद रखेगी और तुम भी जिंदगी भर याद रखोगे। तो फिर अपने जवाई को दीजिए आशीर्वाद। मन डोले मेरा, तन डोले मेरा मन। अरे मनसा, ये मछली उठा लिए कहाँ जा रहा है? गंगाराम तो ठीक है ना? अरे गंगाराम को क्या होगा, उसने तो सोमवर जीत लिया है, वो तो प्यार के स्वर्ग में झूले झूल रहा होगा। तो फिर ये मरने के लिए किधर जा रहा है? कस्तूरी, तेरे बंगले के द्वार पे। वो किस लिए? हाय हाय, तुझे प्यार करने के लिए, सुबह उठ के तेरा दीदार करने के लिए। तू बाज नहीं आएगा अपनी इन हरकतों से। मैं बुलाऊं राय बहादुर को तेरी पिटाई करने के लिए? अरे राय बहादुर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, गंगा का कुछ नहीं बिगाड़ सका। हाँ कस्तूरी, तू प्यार में मुझे मार सकती है और कोई नहीं मार सकता। हमारे सारे परिवार को प्यार में मार खाने की आदत है। तूने मुझे मारा कि मैं चार पाई पे लेटा, जान से चाहे मर जाऊं तो मेरे कपड़े खराब ना हो। तो फिर एक काम और कर, जल्दी बता ना कस्तूरी। ये जो मछिया है ना, इसके साथ एक कफन भी और ले अपने वास्ते। ये ले मेरी और देख मेरे मुँह पे प्यार ही प्यार है ना, देख ना कस्तूरो। मैं तेरे मुंह पे थूकती भी नहीं। थूकेगी भी कैसे, ये तेरे बाप का थूकदान है, ये मेरा मुंह है, मंगते का मुंह। जा पगले परे मर। मरने तो आया हूँ, मुझे मारती क्यों नहीं? मैं कहती हूँ छोड़ मेरी राह। कस्तूरो, मैं जाऊंगा तेरे दरवाजे, मैं जाऊंगा तेरे दरवाजे, वहां बैठ के बजाऊंगा बाजे, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। कस्तूरो, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ओ पंडित, बड़ी लंबी सोच में क्यों पड़ गए हो? अरे जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का मुझे दिखा दो तो मैं जमुना को साथ फेरे दिलवा दूं। सेठ जी, तुम्हारी लड़की के लिए लड़का देखते देखते मैं खुद फेरे खा रहा हूँ। तुम्हारी लड़की की चल रही है राहु दशा, उसके आठवें घर में मंगल और शनि का दंगल हो रहा है, मैं उसके लिए लड़का नहीं ढूंढ सकता, मुझे माफ करो। अरे तू अच्छा पंडित है, लालाज मेरी पंडिताई क्या करेगी। मैं जहां भी जाता हूँ मुझसे पहले गंगा और जमुना की प्रेम कथा वहां पहुंची हुई होती है। गंगा और जमुना के प्रेम का किस्सा भी इतना मशहूर हो गया है कि लोग लेला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू सब किस्से भूल गए हैं। सारे देश में एक ही किताब बिक रही है, प्रेमी गंगा राम का किस्सा। एक किताब मैंने भी खरीद ली। बकवास बंद, कोई अच्छी सी तरकीब लड़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रोपण में राहु दशा नहीं चल रही, एक तुम्हारी कोठी रोपण में भी है ना, तुम वहां चले जाओ, वहां मैं अच्छे अच्छे लड़कों की लाइन लगा दूंगा। फिर वहां गंगा भी नहीं होगा और जमुना को उसकी याद भी नहीं आएगी, ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पर जमुना शहर जाने को कैसे तैयार होगी? सेठ जी, प्यार करने के 100 तरीके होते हैं। आप उससे कहना कि मैं वहां तुम्हारी शादी गंगाराम से करूंगा, तुम्हारा दहेज बनवाना है इसलिए तुम्हें शहर लेके जा रहा हूँ। ये ठीक कहा तुमने। ओ धर्मा जी सरकार, ले आ मेरा शाल और साथ में मेरा माल। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो। बापू, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। चल शहर चले और अपने ब्याह के कपड़े आप ही बना ले। बापू, मेरी सहेलियाँ भी मेरे साथ जाएंगी। सहेलियाँ? जितनी मर्जी ले चल। बापू चल। गंगा, ओ गंगा, तू लुट गया, फुट गया, तेरा कुछ नहीं रहा। अरे गंगा, हाय हाय गंगा, अब किधर ढूंढूंगा तेरे जैसे वाला सरंगा। अब ये सरंगी के बच्चे, बोल तो सही कि हुआ क्या है? जो नहीं होना चाहिए था वो ही हुआ है, जमुना गई। कहाँ गई?
मैंने उसको टांगे में स्टेशन की ओर जाते देखा है। उसकी कुछ सहेलियां भी साथ थी। मैंने सुना उसका बाप शहर उसका ब्याह करने ले गया। कौन से शहर? सुना है रोपड़। मोहन, तू एक काम कर, जाकर जल्दी जरा पंडित से कह दे कि मैं जमुना को लेके शहर आ गया। वो जल्दी से एक अच्छा सा लड़का ढूंढे ताकि मैं अपने सर का बोझ उतार। अच्छा सरकार। बापू, मुझसे झूठ क्यों बोले? कैसा झूठ बेटी? तो मेरी पसंद का दहेज बनाने मुझे यहाँ लेकर आए थे ना? हाँ, तो मैं कौन सा झूठ बोला? तेरी पसंद का दहेज बनाया कि नहीं? वरना तुम अपनी पसंद का देखते हो। और क्या, तेरी पसंद का देख कर तुझे नरक में डाल दूं? वही मेरे लिए स्वर्ग है बापू, तुम समझते क्यों नहीं? तेरा बापू सब समझता है, इसीलिए तो तुझ जैसी न समझ की कोई बात नहीं मानता। वो झूठ झूठ नहीं होता जो किसी की अच्छाई के लिए बोला जाए। बापू, तुम मुझे जान से क्यों नहीं मान देते? मैं बाप हूँ, कसाई नहीं। फिर तुम मुझे इस तरह क्यों दबाते हो? बाप बच्चों को शेर की नजरों से देखते हैं और उन्हें सोने के निवाले खिलाते हैं। मुझे तुम्हारे सोने के निवाले नहीं चाहिए बापू, मुझे पीतल का छल्ला भी नहीं चाहिए। मैं तुमसे गंगा की भीख मांगती हूँ। मैं तुझे ये भीख देकर भिखारा नहीं बनाना चाहता, मेरा फैसला अटल है। जमुना, जमुना, कस्तूरी। जमुना, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम दोनों को मिलाने में कस्तूरी अपने जान पे भी खिल जाएगी। तू बस्ती जाकर जल्दी गंगा को ले आ, नहीं तो मेरे पैरों में किसी गैर की बेड़ियां पड़ जाएगी। कस्तूरी जल्दी जा, जल्दी जा, नहीं तो अब मैं किसी दिन कुछ खा मरूंगी। जाती हूँ, पर पहले अपने प्यार की सौगंध लेके मेरे साथ एक वादा कर। हाँ हाँ, कहना। वादा ये कर कि मेरे वापस आने तक तू अपनी जान को कुछ नहीं करेगी। हाँ दीवाना, मेरी जान मेरी होती तुम ऐसे कब की खत्म कर चुकी होती। मेरी जान तो गंगा की अमानत है, फिक्र न कर, मैं उसे जरूर ले आऊंगी। हाँ भाई जी, मुझे बताओगे राय बहादुर का पता? कथा? वो तो हम बनारसी बनाते हैं जी, दूध में घोल के। अजी मैंने कथा नहीं पूछा, मेरी आराम से बात सुनिए। मेरी मंगेतर का नाम है जमुना, उसकी एक सहेली है कस्तूरी। ओ कस्तूरी। हाँ। वो केसर कस्तूरी तो डालते हैं जी, लो स्वाद लेके देख लो। ओ, मैंने इस कस्तूरी का स्वाद नहीं पूछा, मैंने पूछा है पता। पता वो तो मैं दे ही रहा था जी, कहो कलकत्ता चाहिए, बनारसी चाहिए, मगही चाहिए, कैसा चाहिए जी? अरे भाई मुझे ये पता नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यार का पता। कहाँ बैरों में फंस गया? ओ ताश का पता, वो तो यहाँ नहीं मिलता जी, वो सामने वाली दुकान में मिलता जी। बैरा कहीं का आ गया? हाँ बैरा मैं ही हूँ भाई, मैं ही। मैंने कहा तारा जी है? तारा जी? अरे तारा तो मेरी छोटी बहन का नाम है। तू बस्ती से आया है? मैं बस्ती से आया हूँ। जरा ऊंचा बोल। मैं बस्ती से आया। मैं कोई बहरा हूँ, जरा आहिस्ता बोल। मैं बस्ती से आया। बस्ती से आया है तो मैं अपनी बहन का ब्याह तेरे साथ कर दूंगा, लेकिन बात एक है, मैं तुझे दहेज भेज नहीं दूंगा। और जी मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पता। क्या चाहिए? लता? अरे लता तो तारा की सहेली है, तू उससे ब्याह करेगा तो खाएगा खता। और जी ना मैंने किया खता और ना मुझे चाहिए लता, मैंने मांगा पता। कथा?
हाँ ब्याह के बाद तारा तुझे सुनाएगी कथा। कहाँ फंस गए चाचा, सत श्री अकाल। जयराम जी की शाहजी। क्या क्या जी, जितनी मर्जी पियो बादशाह, बाल्टी भर के पियो। कितने दूध की, पाव की या आध पाव की? चाह जी नहीं, मैं पता पूछ रहा हूँ एक छोरी का। क्या पूरी चाह? छोरी का। पूरी पूरी है, तुमने तल्ली कब से बंद कर दी है? पूरी नहीं छोरी, मैं छोरी का पता पूछ रहा हूँ जिसका नाम है जमुना। अरे जमुना क्या है, दही तो कब का जमा पड़ा है? ओ शाह जी, दही के जमने की बात नहीं हो रही, मैं पता पूछ रहा हूँ एक छोरी का। अच्छा पता, अब समझ गया भाई साहब। तुम दही लेकर घर जाओगे ना, मैं दही ढूंढने में डालकर ऊपर रख दूंगा पत्ता। नहीं शाह जी, जब मैं आप जैसे बैरों की बातें सुन सुनता मर जाऊंगा ना, तो मेरे ऊपर पढ़ देना कथा। काम बैरों के शहर में फंस जी, मुझे मिलके दे बधाई, बलम मेरा घर आया, मैं गालों पे मना मलाई धनो। मलाई के क्या करना है? अरे धरा भला, मुश्किल से तो साल भर की छुट्टी लेके आया हूँ, तू दूरी फिरती रहती है। ऐसे देखो जी, जैसे तुम्हारे दिल में धकधकी हो रही है, ऐसे मेरे दिल में भी धकधक हो रही है। जब से तुम गए थे, ना ही सियाल देखी, ना लैला मजनू पिक्चर देखी, ना कोई सुनी महवल, मेरा हाल तो देखो। तो तैयार हो जाऊ ना, ठहर जाओ ना, काजल लगाया ना कुछ लगाया, खेल काजल लगा। तो मैं काजल से क्या लेना है, मुझे तो काजल के बगैर ही अच्छी लगती हो। तैयार बैठी हुई है, मैं आ रही हूँ। मुझे तो पंजाब की हेमा मालिनी लगती है। अरे तो मुझे गबरू पंजाब की धर्मिंदर लग रहे हो। मैंने कहा जल्दी से पहना दो, कोई न्याने ना आ जाए। और ऐसे मलाब में सियाने आएंगे, न्याने आएंगे ना। ये ले कचरे डाल, लो जल्दी पहना दो, वरना कोई आ जाएगा, पड़ोसी पीछे ही पड़े रहते हैं। हाँ तुझे पिए को महीना हो गया के दिला विच आग लग गई, तुझे पिए को महीना हो गया के दिला विच आग लग गई। अरे लोग तो तुझे बुरा कहते हैं, पर तू मेरी रानी, जो कोई तुमसे दूर भगाए मेरा दुश्मन जानी। बल्ली ये तू क्यों डर गई, तुझे पिए को महीना हो गया। मुझे लगता हो गई यार। हाँ यार हो गई है। ले अब डाल दे, डाल दे यार। ले, ले सब पिले आप। अब डाल ले, 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 ले पिले। ला, ला, ला। और दे यार, थोड़ी और दे यार, और दे थोड़ी, थोड़ी और दे यार, और दे यार। ले यार डाल तो रहा हूँ। और दे। ले पिले यार। अरे वाह भाई वाह, पिलाने वाले मजा आ गया। अरे मैंने पिलाई है तुझे। आ गई, आ गई, आ गई। आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ। अरे गिर गया, बच बच। अरे क्या क्या कर रहा है यार, क्या नाश कर दिया। आता हूँ। अरे सब गिरा, आता हूँ भाई, मैं मर जाऊँ। लो पगली कब से खड़ी है ना, कपड़े नहीं उतारने। Thank you.
कैसा यार? तू गिर क्यों गया यार? अरे मैं कहाँ गिरा, तू गिरा यार। मैं गिरा हूँ? कमाल की बात है, खड़ा हो यार। अरे मैं तो पहले खड़ा, तू खड़ा हो ना। अच्छा मैं खड़ा करता हूँ। सब गिरा दिया यार, मजा कर गिरा कर दिया तूने। क्या कहता है? अब कैसे खड़ा हो गया साला? कैसा मैं नहीं खड़ा होता। चल चल तुझे लेके चलूं, चल 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 तुझे लेके चलूं। चल यार आए, क्या लड़कियां देखी, क्या डांस देखा, मजा आ गया, नारा आ गया। छलांग लगाओ, छलांग आओ। चला चल चला चल, घबराने की बात नहीं, देख तू तो मुझे जानता ही। चल यार, तू तो बांस की तरह आकर गया। मैंने कहा चल आते हैं यार, मेरा यार चले तो मैं चलू। चल यार, तू तो आगरे खड़ा हो गया। अब कैसे चल पड़ा पगला कहीं का? हाय मेरी प्यारी धनो, मुझे लेने आई है? तुझे मेरा इतना ख्याल है? लो लो मैं तेरे से प्यार करूं? गुस्से की होती है पगली कहेगी, क्या खा कर आई हो, पेट इतना भरा हुआ है? ओहो, दो दो चोटियां करती करती आज एक चोटी करके ही आ गई, पगली कहेगी ना होता है पगली। मारना नहीं, नहीं चल घर, चल घर, चल चल चल, तुम्हें संभाल संभाल कर रखूंगा, चल चल गए, चल तुम्हें। कुंडा खोल मेरी मोटो लम्मी बाकर के, कुंडा खोल मेरी मोटो लम्मी बाकर के, मैं कुंडा नहीं हूँ खोलना जा, खोलना नहीं हूँ खोलना जा, तूते पीसिया पांग मैनू करेंगा तंग। नी कुंडा खोल मेरी मोटो लम्मी बाकर के, दिल तोड़नी है मेरा कानू ना करके। नी कुंडा खोल, निकुंडा खोल मेरी मोटो लम्मी बा कर गे। चिंता करके हार गया मैं लगा तीर ना तुक्का तुक्का, चिंता करके हार गया मैं लगा तीर ना तुक्का तुक्का। अरे वाह मेरी पड़ पोलो, तू मैनू रगड़ दिताए सुका सुका, तेरी मालिश करांगा हां मैं तैनू मुट्ठियां परांगा हां, तू जल्दी खोल दे बुआ नी अंदर फिर दाई चुआ। ओ मैनू प्यारी लग बच्चियां दी मां करके, नी कुंडा खोल, नी कुंडा खोल मेरी मोटो लम्मी बां करके। मैं कुंडा नहीं हूं खोलना जा, बोलना नहीं हो बोलना जा, तूते पीसिया पंग मैनू करेगा तंग तंग। निकुंडा खोल मेरी मोटो लम्मी बां करके। जिस दिन तो मुकलावा लियो उस दिन तो प्या झगड़े हर झगड़े, जिस दिन तो मुकलावा लियो उस दिन तो प्या झगड़े हर झगड़े। ता मैं कुंडा खोलांगी जे सवारी नक रगड़े नक रगड़े। मैं तो नक रगड़वाई तमाशा मैनू ना बनाई, जे कट गई मेरी नक नी नहीं रहना तेरा कख नी। मैनू ता करके तू पावे हां करके, नी कुंडा खोल, नी कुंडा खोल मेरी मोटो लम्मी बा करके। मैं कुंडा नहीं हूं खोलना जा, खोलना नहीं हूं बोलना जा, तू ते पीसिया पंग मैनू करेगा तंग। नहीं लावा।
ਸਤਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾਈ ਨਹੀਂ ਸਤਾਵਾਂਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਹੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਣ ਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇਖ ਤੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਾਲੇ ਕਰ ਲੈ ਤੋਬਾ 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 ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤੋਬਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਟੁੰਡਾ ਤਾਂ ਖੋਲ ਤੇਰੀ ਮੰਜੀ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵਾਂਗਾ ਨਵੀਂ ਸਾੜੀ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਲਾਵਾਂਗਾ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੱਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸੌਂ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਉਂਵੇਂ ਹਤੱਕੀ ਭੈਣ ਦੀ ਥਾਉਂਵੇਂ ਤੇ ਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਉਂਵੇਂ ਖਾਲੇ ਮੇਰੀ ਸੌਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਰੀ ਸੌਂ ਤਾਈ ਮਰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂ ਛਾਨ ਮਾਰੇ ਪਰ ਗੰਗੇ ਕਾ ਕਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਰੱਖ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਕਸਤੂਰੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਪਤਾ ਚਲੇ ਤੋ ਮੁਝੇ ਖਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਥਾ ਤੋ ਮੁਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਨੇ ਆਏਗੀ ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਕੈਸੇ ਭੁਲੂ ਕਭੀ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਮਾਸ਼ੂਕੋ ਕੋ ਭੁਲੇ ਹੈ ਪਰੇ ਹਟ ਕੈਸੇ ਛੋੜੂ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਆ ਪਰੇ ਹਟ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਗਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਮੁਝੇ ਆਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੋ ਜਾ ਪਰ ਜਾਤੀ ਬਾਰ ਆਸ਼ਿਕੋ ਕੁਛ ਤੋ ਦੇਤੀ ਜਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਹੋਠੋ ਕੇ ਦੋ ਪਿਆਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਔਰ ਦੀਦਾਰ ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਤੀ ਮੰਗਤੇ ਕੋ ਦੇ ਦੇ ਗਾਲੀਓ ਕੀ ਬੌਛਾਰ ਇਧਰ ਆ ਤੁਝੇ ਦੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੂਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੁਸੀ ਗਾਲੀਆਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਆਏ ਠੰਡ ਪੜ ਗਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗਾਲੀਓ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਸੇ ਲਗਾਉਂਗਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰੀ ਕਸਤੂਰੀ ਓ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਦੂਰੀ ਓ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਓ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਿੰਧੂਰੀ ਓ ਕਹਿ ਠਿਕਾਨਾ ਪਾਪਾ ਕਾ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂ ਵਿਆਹ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰੀ ਕਸਤੂਰੀ ਓਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰੀ ਕਸਤੂਰੀ ਓਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰੀ ਕਸਤੂਰੀ ਭਗਵਾਨ ਤੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਗੀਤੋਂ ਪਰ ਰਾਧਾ ਘਰ ਸੇ ਦੌੜੀ ਚਲੀ ਆਤੀ ਥੀ ਔਰ ਨਾਚਤੀ ਹੀ ਰਹਤੀ ਥੀ ਰਾਧਾ ਕੋ ਤੋ ਕਿਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਕੇ ਗਾਨੂ ਪੇ ਨਾਚੀ ਤੇ ਇਸ ਮੇਂ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਦੋਸ਼ ਤੂੰ ਹੀਰ ਸਿਆਲਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਨੀ ਮਈ ਵਾਲਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਨੀ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗੋਰੀ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਆਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ ਬਹਿਣ ਜੀ ਪੇਟ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਖੋਟੀ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ੋ ਕੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਮਝ ਗਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ੋ ਕੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਮੀ ਲਾਈ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨੋਂ ਨੇ ਹਮਾਰਾ ਸਭੋ ਕਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨੋਂ ਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਏ ਮੈਂ ਅਭੀ ਇੱਕ ਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਏ ਕਾ ਅਨਾਜ ਸੇ ਭਰਾ ਹੁਆ ਗੋਦਾਮ ਦੇਖ ਕਰ ਆਈ ਹੂੰ ਅਭੀ ਵਹਾਂ ਚਲ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਤੇ ਹੈ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਅਨਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬਹਿਣ ਜੀ ਅਭੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ कौन है तू सब इस अनाज के हकदार हट जाओ यहाँ अनाज वनाज कुछ नहीं है मैंने खुद देखा है अनाज अंदर है ताला खोल नहीं अगर किसी ने ताले को हाथ लगाया तो क्या देखते हो तोड़ो दरवाजा शांत शांत अजी इधर तोड़ फोड़ करने नहीं आए यह अनाज हम सबको भूखा रखकर इकट्ठा किया गया है ये देश के दुश्मन है हम सबका खून चूसना चाहते हैं शांत बैठ जाओ जाती हो नहीं क्या हंगामा बना रखा है उठ जाते अनाज लिए बिना हम नहीं जाएंगे से नहीं जाएगी तो मेरे पास
तेरी बहुत बहुत मेहरबानी है वीर। वीर? हाँ। आज मुझे पहली दफा किसी ने वीर कहकर बुलाया है। बहन बोल, मैं इसके लिए तुझे क्या तोहफा दूँ? तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, इस इलाके की इज्जत बचा ली है, मेरी भी इज्जत बचाई है भैया। बहन मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं, फिर भी मैं आज तुझे ऐसी चीज दे रहा हूँ जो आज तक किसी भाई ने किसी बहन को नहीं दी हो। ये क्या भैया? बहन ये लव हमेशा मुझे तेरी रक्षा करने की याद दिलाता रहेगा। मुझे इस लव की कसम है कि जब भी तेरे पे कोई विपत्ति पड़ेगी ये वीर तेरे काम आएगा। सरकार खत्म हो गया सरकार, अब क्यों रोए चला जा रहा है? सरकार रोने की बात है सरकार, सरकार स्कूल के पीछे का अनाज का गोदाम लोगों ने लूट लिया है। लूट लिया? और तुम सब क्या कर रहे थे? मैंने तुमको क्यों रखा यहाँ पे? उधर बहुत लोग थे इसलिए हम मजबूर हो गए। अच्छा ये तो बता सरकार, आखिर गोदाम का पता किस तरह चला उनको? लीला ने कहा है सरकार। लीला कौन है? वो स्कूल की मास्टरानी, सोशल वर्कर, वही तो फसाद की जड़ उस्ताद। लीला मास्टरानी? इस मास्टरानी को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दूसरों को सबक सिखाना भूल जाएगी। जीजा जी, क्या बात है लीला? जीजा जी, जो आज मुझे ये वीर वक्त पर नहीं मिलते तो शायद मैं जिंदा वापस ना आती। बहुत बहुत मेहरबानी जी। वीर ये है मेरे जीजा जी, पूना में काम करते हैं, साल में एक बार छुट्टी पर आते हैं तो एक कैलेंडर मेरी बड़ी दीदी धनों के माथे मर जाते हैं, 5 कैलेंडर छाप चुके हैं। हाँ। चटाने वाला क्यों ज़्यादा बोल रही है? नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? ये मेरा नाम गंगाराम। मुझे तो रांझा नाम लगता है। गंगा जमुनी की प्यार को दुनिया की नजरों से बचा ले भगवान, बचा ले। कस्तूरी क्या खबर लाई है मेरी गंगा की? क्या चलती क्या? तुम दोनों का प्यार कितना महान है जमुना, इधर तू गंगा के प्यार में तड़प रही है और गंगा तेरे प्यार में घर छोड़कर तुझे ढूंढने निकल गया। जाने से पहले ये खत दे गया है। बापू मैं जमुना के बगैर जी नहीं सकता, उसे ढूंढने जा रहा हूँ, अगर मिल गई तो आ जाऊंगा, नहीं तो मेरा सबको आखिरी सलाम, तुम्हारा बेटा गंगा। खत में उसने पता ठिकाना भी नहीं लिखा। कस्तूरी पता नहीं गंगा मेरे प्यार के कारण कहां कहां ठोकरें खाता फिर रहा होगा। इसमें उदास होने की क्या बात है दीवानी, तुझे तो और खुश होना चाहिए कि तुम्हारे प्यार में लीन गंगा तुझे ढूंढता फिरता है। इस तरह के प्रेमी तो नसीब वालियों को मिलते हैं। चल कहां, जहां प्यार में आंसू न बहाने पड़े। प्यार की मंजिल उनको मिलती है जो हर मुसीबत को हंसते खेलते झेल जाते हैं। चल मेरे साथ। माही तेरी क्या हुआ तेरे माही को? एक माही, हाँ एक माही, ओए एक माही दिल को ही दस गया, हरी एक माही दिल को ही दस गया, थोड़ा थोड़ा हंस गया आंखों में ही बस गया, क्या करूँ मैं, क्या बोलूँ हंसू रोलूँ मैं, क्या बोलूँ पीछे हूँ मैं, क्या बोलूँ एक माही दिल को ही दस गया, हरी एक माही दिल को ही दस गया। किसको तेरी किसको? जिससे ही हरे जिससे ही दिल मेरा फंस गया, हर जिससे ही दिल मेरा फंस गया, थोड़ा थोड़ा हंस गया आंखों में ही बस गया, क्या करूं मैं, क्या बोलूं हंसूं मैं, क्या बोलूं पीछे हूं मैं, क्या बोलूं एक माही दिल को ही दस गया, हरी एक माही दिल को ही दस गया।
सपनों में रस गया, रे तेरे मीठे सपनों में रस गया। थोड़ा थोड़ा हंस गया, आंखों में ही बस गया, क्या करूं मैं, क्या बोलूं, हंसूं रोनूं मैं, क्या बोलूं, पीछे होनूं मैं, क्या बोलूं। एक माही दिल को है डस गया, अरे एक माही दिल को है डस गया। माही बिना हुआ मेरा जीना मुश्किल रे, वही मेरी जिंदगी है, वही मेरा दिल रे। प्यार में तो दुख सुख आंसू के है सहना, अखियां लगा के कभी किसी से ना कहना, रोती है ना ना रो मुझे प्यार की, हाय मुझे प्यार के शिकंजे में ही फंस गया, मुझे प्यार के शिकंजे में ही फंस गया। थोड़ा थोड़ा हंस गया, आंखों में ही बस गया, क्या करूं मैं, क्या बोलूं, हंसूं रोनूं मैं, क्या बोलूं, पीछे होनूं मैं, क्या बोलूं। एक माही दिल को ही दस गया, हरी एक माही दिल को ही दस गया। थोड़ा थोड़ा हंस गया, आंखों में ही बस गया, क्या करूं। भैया। लीला। मेरे भैया, तुम्हारा प्यार कितना महान है, तुम इन्हें गली गली ढूंढते फिर रहे हो, मुझे यकीन है तुम्हारा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। बहन, प्यार तो पंजाब की धरती की देन है, यहाँ प्रेमी गंगाराम तो क्या, यहाँ रांझा हुआ है, महिवाल हुआ है, उनके प्यार भरे गीतों की खुशबू आज भी हवाओं में बसी है। खैर मेरी बात छोड़, तू कहाँ जा रही, शर्मा गई, मुझे लगता तू भी किसी से प्यार करती है, है ना, बता बता उसका क्या नाम है, बता मुझे। नाम उसका सतीश है। सतीश, बहुत खूब, नाम तो अच्छा है, पर वो भी तुझे प्यार करता है या नहीं? करता है, तब तो मजे हैं। क्या हुआ सतीश? कुछ न पूछ, मेरे डैडी ने तेरे मेरी शादी से इनकार कर दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्हें मेरी शादी में बहुत सा दहेज और 150,000 रुपया चाहिए। फिर तुम क्यों घबराती हो? मैंने अपने डैडी से साफ साफ कह दिया कि मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ लीला से। जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? फिर ये दहेज की लानत हम नए पौध के लड़के लड़कियां नहीं मिटाएंगे तो फिर कौन मिटाएगा? पता नहीं हमारे बुजुर्गों को क्या हो गया है। सरकार ने दहेज के खिलाफ कानून बनाया, फिर भी लोग कानून की नजरों से बच के दहेज का लेन देन करते। हमें कानून तोड़ने वालों को कानून के हवाले करना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो सतीश। लीला, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मेरे डैडी के पास इतना पैसा है, फिर भी इतना पैसे का लालच क्यों करते हैं? छोड़ो, इस दौलत को तो मारो गोली, हमारे तुम्हारे पास विद्या की दौलत जो है, हम क्यों घबराए। आओ भैया, क्या बात है, आज तुम उदास क्यों? क्या बात, जमुना नहीं मिली? ढूंढ ढूंढ के थक गया, समझ नहीं आता क्या करूं। सबर करो भैया, तुम्हारा प्यार सच्चा है, वो जरूर तुम्हें मिलेगी, अपने प्यार पर भरोसा रखो। मुझे डर है कि राय बहादुर उसका ब्याह कहीं और ना कर दे। राय बहादुर जी, ये रहा लड़के का फोटो, बीए पास, आगे पीछे कोई नहीं, बारात में भी अकेला आएगा। वाह पंडित, ये लड़का तो बहुत सुंदर लगता है। राय बहादुर जी, अगर आप मेरा कहना मानो तो कहो। कहो कहो तो भाई, और क्या बात है? राय बहादुर जी, लड़का विवाह को बड़ा उतावला है, और फिर परसों का दिन भी शुभ है, अगर आप मेरा कहना माने तो सीधा लड़के को वरमाला पहना दो। ठीक है, परसों लड़के को बुला लो यहाँ, सीधे वरमाला ही पहनवा देंगे। चलो कन्हैया, लगाओ पांव को हाथ और बन जाओ दूल्हा। चिरंजीव रहो, बैठ जाओ कन्हैया। ओ कस्तूरी जी, जरा जमुना को ले आ। बापू क्या समझते हैं, हार पहनाने से मेरी शादी हो जाएगी? पर अब क्या हो सकता है, जो भगवान को मंजूर होगा ठीक ही होगा। चल तू अभी तो चल, चल ना। लो पंडित जी, अब शुभ कार्य भी कर दो। लो बेटी, एक हार तुम ले लो, और ये लो बेटा, एक हार तुम ले लो और पहना दो एक दूसरे के गले में। ओम भूर्भुवः स्वः ततः सर्वं।
निभाए कह गए गंगा राम हो मेरा तुझे भी सलाम मेरा तुझे भी सलाम हम गंगा मैं तेरी हूँ तेरी रहूंगी यमुना तू मेरी है मेरी और सदा मेरी रहेगी यमुना अरे तू फिर यहाँ आ गया एक कान पकड़ ले अपनी मंगेतर को भाई जी इस लड़की का हाथ इसके पिता ने तुम्हारे हाथ में जरूर दिया है पर प्यार कभी कुछ हक होता है जिसे दुनिया सदा मान के आई है इस लड़की का और मेरा सच्चा प्यार है मैं तुम्हें इस प्यार का वास्ता देकर पूछता हूँ तुम ही कहो ये हीर किसकी होनी चाहिए मुझसे भूल हो गई भाई साहब मुझे तुम्हारे प्यार का पता नहीं था एक कहन तुम भी इसकी बातों में आ गए मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा है बहादुर साहब मैं गबरू देश पंजाब का हूँ किसी के प्यार पे डाका नहीं डालता मैं अपनी हिराब खुद ही ढूंढ लूंगा नमस्ते शाबाश देख लिया राय बहादुर मैं अभी तुझे देख लेता हूँ और धर्मू मंगलू और ले जाकर पहाड़ की चोटी से गिरा दो चल गिराओगे हम फिर आ जाएंगे चल मर गया आइंदा तूने गंगा से मिलने की कोशिश की तो मैं तेरा गला दबा दूंगा मुझे तो जो कर पाते हो एक ही बार मार दो बापू मेरी गंगा को ना मारो चल नहीं बापू बापू कहाँ जाऊँ रोटी माँ को खा लो हाँ एक बाप है साल में महीने भर की छुट्टी लेकर आता है और हर साल मुझे एक नया नया कैलेंडर दे के चला जाता है इसका सत्या ना जाए मेरी धन्ना रानी क्या है पानी का गिलास लाना हाँ हाँ लाती हूँ बैठो मेरे सरताज मेरे मन मंदिर के देवता देख तू उसका ख्याल रखना मैं भी आई छोड़ दे बेटा बस और हाँ तेरे पिताजी पूरी सेवा कर देती हूँ आज अच्छे से मजा के खाती हूँ ये लो पानी और बुझा लो अपनी प्यास मुझे पानी की प्यास नहीं मुझे तो तेरे से प्यार है जब भी चार बातें करते हैं कोई ना कोई आ जाता है मैं तो तेरे बगैर तरस गया हूँ तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम्हारा नवा नवा ब्याह हुआ है साल बाद तो आता हूँ और जब भी मैं आता हूँ ऐसे लगता है जैसे नवा विवाह हुआ होता है फिर लगा दे साकल तू ही लगा दे मुझे इशारा मारती जा ना लगा दे तू आप ही लगा अरे ये काम भी मैं करूँ वो काम भी मैं करूँ फिर तू किस चीज की दवा मुए हाय हाय बेशरम जमुना तू जमुना ले रोटी खा ले तूने क्या हाल बना लिया है दो दिनों से अन्न को मुंह तक नहीं लगाया मुझको बापू ने जिगर का खून और हम खाने को इतना दिया है कि अन खाने को जी नहीं चाहता इस वक्त तो मर जाएगी उसके लिए मर जाऊंगी इस जन्म ना सही तो अगले जन्म तुझे पा ही दूंगी दीवानी तू कितनी खुदगर्ज है तूने कभी नहीं सोचा कि तेरी जिंदगी तेरी नहीं गंगे की अमानत है इस अमानत के बदले गंगा को दिया ही क्या है इस प्यार के बदले मैंने गंगा को दर दर की ठोकरें दी है मैं कितनी बदनसीब हूँ उसे अपने प्यार का दीवाना बना दिया जमुना जो प्यार की राह इतनी आसान होती तो प्यार करने वालों का कभी नाम ना होता प्यार की कभी पूजा ना होती प्यार तो वो सागर है इसमें जितनी भी गोते लगाइए अथाह है सच्ची प्रेमी कभी हिम्मत नहीं हारती वो ऐसी अपनी मंजिल जरूर पा लेते हैं और मेरी मंजिल अब मौत के सिवा कुछ भी नहीं कस्तूरी जो तुम मुझसे प्यार करती है तो मेरे लिए थोड़ा सा जहर ला दे जहर तो तुझे मैं दूंगा बदनसीब जो मुझे पता होता कि तू मेरी इज्जत एक दो टके के गवैये के पैरों तले रौंद देगी तो मैं तेरे जन्म से ही गला घोंट देता जमुना मैं तेरी सारी इज्जत बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर ये जिद कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तेरी डोली गंगा के घर जाए मेरी डोली गंगा के घर जाएगी नहीं तो मेरी अर्थी शमशान घाट जाएगी बापू मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा और मुझे गंगा के बिना जीना भी नहीं अरे देखी जाएगी गंगा के बिना जीना नहीं गंगा मैं तेरी अमानत हूँ और ये अमानत तुझको जरूर मिलेगी नहीं तो तेरी अमानत
मैं माँ के हवाले कर दूंगी। लाला जी, मैं राय बहादुर की लड़की जमुना का रिश्ता लेके आया हूँ। और रिश्ता विश्ता तो ठीक है पंडित जी, मगर तुम ये कहो कि राय बहादुर की लड़की जमुना मेरे गबरू जवान बेटे सतीश के साथ जचेगी के नहीं? लाला जी, दोनों की जोड़ी राम और सीता की जोड़ी लगेगी। बस्ती की सब लड़कियों में धूम है उसकी। अरे धूम को डालो कूड़े कचरे में, तुम ये कहो दान दहेज कितना देंगे? लाला जी, जमुना राय बहादुर की इकलौती लड़की है, अब तो उनके सारे बंगले कोठियां गाड़ियां अपनी ही, समझो। अच्छा, अरे राधे कृष्ण, पंडित जी फिर ये रिश्ता मुझे मंजूर है? बात पक्की? अरे बिल्कुल पक्की, लाला गिरधारी लाल वचन देके फिरता नहीं। हाँ सेठ जी, कोई लड़का तुम्हें सतीश से बेहतर नहीं मिल सकता। यह काम अच्छा हो गया है, ये लो पंडित, तुम भी पकड़ो अपना इनाम, ये लो। धन्य हो राय बहादुर जी, राम करे आपके घर में रोज बाजे बजते रहे। नहीं नहीं, मैं राय बहादुर की जमुना के साथ ब्याह नहीं करूंगा, मैं ब्याह करूंगा तो लीला के साथ। अरे राधे कृष्ण, उस मामूली आदमी की थाली से, अरे तुझे वहाँ से मिलना क्या है जिंदू का पट्टा? बेटा जमुना राय बहादुर की इकलौती बेटी, दान दहेज से अपने कोठे भर जाएंगे। मुझे दान दहेज की जरूरत नहीं, आप जैसे दान दहेज लेने वालों ने कई कुंवारियों को जान देने पे मजबूर कर दिया, कई सोनिया डूब के मर गई, कई हीरा ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। अरे रहने दे, आया बड़ा समाजी लीडर। बेटा ये लीडरों की नसीहतें दूसरों के वास्ते होती हैं, अपने वास्ते नहीं। बेटा राधे कृष्ण, मैं तेरे तेरे राय साहब की लड़की से ही कराऊंगा, उस लुच्ची रंगी लीला से नहीं। जले। अरे राधे कृष्ण, लाला गिरधारी लाल अपनी हद से नहीं चलता, मैं राय बहादुर को वचन दे चुका हूँ। मैं आप दोनों को देश के लेन देन के चक्कर में अंदर करा दूँ, समझे? अरे मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं। ओ मुनीम जी, लाला जी। अरे तू देखता रहे ये किस तरह मेरी मर्जी के खिलाफ ब्याह करता है। क्या हुआ सतीश, बड़े ही उदास खड़े हो? मेरे डैडी ने मेरे ब्याह की बात दूसरी जगह पक्की कर दी है। फिर? पर मैं भी फैसला कर चुका हूँ। क्या? कि ब्याह के एक दिन पहले मैं दिल्ली चला जाऊंगा, वहाँ जागा ठिकाना बना के मैं तुम्हें बुला लूंगा, तुम आ जाना, हम दोनों मिलकर वहाँ ब्याह कर लेंगे। मेरे सतीश, कहीं तुम मुझे धोखा न देना। पगली, कोई अपने आप को धोखा दे सकता है? सतीश, तक तक के थक गई है पलके, कहीं नजर न जाए डोल, दिल दुनिया और सब कुछ लूट ले, एक बार तो खिड़की खोल। गंगा राम से ना अखियां मिलाना गोरी, गंगा राम से ना अखियां मिलाना, मिलाना है तो दिल को मिला। अरे हाथ को तू हाथ ना लगाना मुंडिया, अरे हाथ को तू हाथ ना लगाना, लगाना है तो गले से लगा। गंगा राम से ना अखियां मिलाना गोरिये हैं। जान मेरी सोनिए तेरी ही जागीर है, जान मेरी सोनी तेरी ही जागीर है, तू मिल गई, मिल गई तकदीर है, मिली तकदीर है। झूठा प्यार ना तू मुझको जताना मुंडिया, झूठा प्यार ना तू मुझको जताना, बनाना है तो अपनी बना। गंगा राम से ना अखियां मिलाना गोरिये हैं।
करना है वादे को निभाना ना निभाना धोरी, चाहे वादे को निभाना ना निभाना, निभाना है तो प्यार निभा। अरे हाथ को तू हाथ ना लगाना मुंडिया, चांदनी का चांद है के कली है गुलाब की, चांदनी का चांद है के कली है गुलाब की, गोरियों ने गोरी देखी, गोरी तू पंजाब की, गोरी तू पंजाब की। कहीं रोती को तू छोड़ न जाना मुंडिया, कहीं रोती को तू छोड़ न जाना, ले जाना है तो साथ ले जा। गंगाराम से ना अखियां मिलाना गोरी, गंगाराम से ना अखियां मिलाना, मिलाना है तो दिल को मिला, लगाना है तो गले से लगा, मिलाना है तो दिल को मिला। गंगा गंगा तू बहुत बड़ा झीठ राय बहादुर, दुनिया का हर बड़ा आशिक ढीठ हुआ है, जो ढीठ ना होते तो उनका नाम ही ना होता। मजनू ढीठ था, फरहाद ढीठ था, रांझा ढीठ था। और रांझे के बच्चे चुप कर, हर एक रांझे की मौत कैदों के हाथों होती और आज तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। धर्मू हजरकार, ले जाओ इसे बोरे में बंद करके कुएं में फेंक दो। राय बहादुर आज तू मेरी भी बात सुन ले, जिस घर से आज मुझे बेइज्जती करके निकाल रहा है उसी घर में तू आप ही मुझे इज्जत के साथ लाएगा, मेरे पैर पकड़ के लाएगा, मेरे कदमों में नाक रगड़ के लाएगा। राय बहादुर, अरे जानकी दास तुम क्या समझते हो, गली मोहल्ले बदलने से किस्मत भी बदल जाती है। जो बस्ती छोड़ के शहर भाग आए पर तुम मेरी नजर से बच के जाएगा कहाँ? तू फिर मुझे धमकी देने आ गया? बिल्कुल नहीं, मैं ये कहने आया हूँ कि अपनी मर्जी से जमुना का ब्याह मेरे साथ कर दे तो ठीक है, नहीं तो नहीं तो मेरे हाथ में तेरा फैसला तेरे हाथ में, नहीं तो अदालत का फैसला मेरे हाथ में। सोच ले समझ ले। ओ, मैं सब सोच समझ के बैठा हूँ, कोई नादान नहीं, तुझसे जो कुछ हो सके कर ले। कैसे दिखाऊंगा? समझ गए हो ना? बिल्कुल समझ गया सरकार। लो एक बार फिर सुन लो, रात होने से पहले पहले जमुना को मेरी खिदमत में हाजिर करना है। जी सरकार। अरे मुंह क्या देख रहे हो, ये लो तुम्हारा इनाम, ये लो, ये दो ले लो। मुंह क्या देख रहे हो, दौड़ो भागो फुटो, मैं भी देख लूंगा राय बहादुर की ऐसी की तैसी ना करती तो मैं भी जान की दास रही हूँ। तू बाजार का सारा अनाज खरीद के रख ले। ये हुई ना मर्द वाली चाल। अरे यार एक सवाल तो पूछूं। हाँ। अब हम इसे बेचेंगे कब? अरे राधे किशन अभी नहीं, मंडी का सारा अनाज खत्म हो लेने दे,
फिर हम अपनी एक एक दाने का मुंह मांगे दाम मांगेंगे। वाह वाह, ये कमाल किया है ना तुमने। जो कहते हैं कि धरती सोना उगलती है उस्ताद, पर मूर्ख इतने हैं कि सोने को मिट्टी के भाव बेचते हैं। पर राधे कृष्ण यहाँ तो सोने को सोने के भाव बेचेंगे राधे कृष्ण। अरे राधा कृष्ण को जाने दे लाला, आजकल पुलिस बहुत अपना आता पता पूछ रही है। साथ ही लीला हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गई है, एक बार पहले भी हमारा गोदाम लटवा चुकी है वो। लीला? वो कौन सी लीला? ओ यार वो सोशल वर्कर मास्टर आनी लीला। ओ राधे किशन, इधर तेरे गोदाम लुटवा रही है, उधर वो मेरे शीश के साथ जा करके मुझे लूटने के प्रोग्राम बना रही है। ओ राधे किशन, तू उसका ठाटा नहीं खेल सकता है? क्यों नहीं खेल सकता? अरे लाला तू कहे तो उठवा लू उसको। ओए उठवा दे राधे किशन। मिला आया। अरे रुको, जाओ पर आजा, सरकार के सामने आजा, बड़ी बहादुर बनती थी तू, आजा इधर। आओ जी आओ जी आओ जी लीला जी, कमाल है भाई, इतनी सुंदर सी लड़की हमारे अनाज के गोदाम लुटवाती है। मैंने कहा इस जवानी में सरकार की चमचागिरी करती है तो मेरी चमचागिरी करना। तुम्हारे जैसे देश के दुश्मनों को सरकार के हवाले करना हर भारतीय का फर्ज है, और इस नेक काम में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं। नहीं लीला, इतनी जल्दी मैं तेरी जान नहीं लूंगा, इसको जाके बंद कर दो। मैं देखता हूँ कौन सा देश भगल से छुड़ा के ले जाता है। ले जाओ। तू फिक्र ना कर जमुना, हम गंगा का पता लगा लेंगे। ठहरो कस्तूरी, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया। मैं जमुना का ब्याह 17 दिनों बाद पक्का करके आया हूँ। लड़का बड़े घर का अमीर है। आग लगे उसको, मैं तो करूंगी गंगा ही से ब्याह। अब तू गंगा की उम्मीद छोड़ दे, उसकी समाधि तो कब की बन चुकी है। नहीं नहीं, मेरा गंगा नहीं मर सकता, मेरा गंगा नहीं मर सकता। गंगा गंगा जमुना, मेरी बेटी क्या हुआ? ये तो बेहोश हो गई। तुम लोग ध्यान रखो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। श्यामा जल्दी जाके एक गिलास पानी लेके आ। बड़ा अजीब कैसा राय भाव साहब, मैं कुछ नहीं करता। डॉक्टर, इसने आंख नहीं खोली तो मेरी दुनिया अंधेर हो जाएगी। डॉक्टर साहब इसको किसी तरह बचा लो। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। डॉक्टर, जमुना बेटी, जमुना। मैं एक बात कहूँ लाला जी? कर सकती है तो इसका इलाज कर कस्तूरी, इसको किसी तरह बचा ले। दरिया किनारे बहुत पहुंचे हुए साधु ने डेरा लगाया है, मरीज की हालत चाहे कितनी भी खराब हो एक चुटकी से दवा देते हैं तो मरीज उठ के दौड़ पड़ता है। अच्छा हाँ, मैं उन्हें जरूर लाऊंगा, मैं अभी लेकर आता हूँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। जय संतों की। ओ जय संतों की, और जय गंगा की। बोल, हम गंगा के भक्त हैं। बोल जय गंगा की। बोल जय गंगा की। बोल भक्ता, क्या कष्ट है? महाराज मेरी एक ही लड़की है। ओए, तू फैमिली प्लानिंग के दिनों में दूसरी मांगने आ गया है? नहीं नहीं महाराज, मैं तो राय बहादुर है। हाँ हाँ। तो फिर मेरी आंखों से आंखें ऐसे मिला जैसे तेरी बेटी मिलाती है। लड़की? तेरी बेटी का नाम जमुना है कि नहीं? हाँ जी हाँ। तो फिर जमुना तो हमेशा गंगा की ओर देखती है, तुझे ये ज्ञान की बातें समझ में नहीं आएंगी, तू साधु के चरण दबा। ओ महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हो। हम जानी जान भी हैं और दिल जानी भी हैं। अब तुम्हारे जैसे संतों का ठिकाना छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो ऐसे जाने भी नहीं दूंगा बच्चू। अच्छा, और तेरी बेटी की बीमारी का डॉक्टर को पता नहीं लग रहा है ना? हाँ जी। तो हम उसकी उल्टी कर देंगे। क्या? और उसकी बीमारी को उल्टी कर देंगे। अच्छा अच्छा महाराज, जरा जल्दी चलो ना। और चले कैसे, पहले तेरी तो सिद्धि कर लें। मेरी सिद्धि? हाँ। मेरी सिद्धि किस तरह होगी? और सेवा से होगी, कर सेवा तो खा मेवा मूर्ख। मूर्ख? अरे तू बहुत बड़ा मूर्ख है, तू इस जन्म में ही नहीं पिछले जन्म में भी तूने बहुत बड़ी मूर्खता की थी। तू पापी है, दुष्ट है, हत्यारा। तू क्या है? तू मूर्ख है। मैं? अरे तेरे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल तेरी लड़की भुगत रही।
ए महाराज, इसका कोई उपाय करो। उपाय? ओ उपाय, लकीरा, पैरे फकीरा और तेरे नाक की लकीरा। अच्छा महाराज, जल्दी कर। आ गया भक्त गाने पे, दिलों के मेल कराने पे। आइए महाराज। जय गंगा। और यह जमुना? नहीं नहीं महाराज, हाँ ये जमुना है। यह जमुना? हाँ जी, कल से लड़की ने आंख नहीं खोली। तू फिक्र कर पक्का, इसकी आंख वाख सब खोल देंगे। ओ महाराज, जल्दी खोलो ना। मुझे तेरी आज्ञा की जरूरत नहीं, पहले मुझे देख लेने दे। अरे इसको इश्क का भूत चढ़ा है। अरे हाँ महाराज, एक मवाली है गंगा, हाँ। उसके पीछे पागल हो गई है। जय गंगा। जय गंगा। अब हम इसका भूत उतारेंगे। ओ महाराज, जल्दी लाओ ना। तेरा भी उतारेंगे। बबम 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 बबम। निरंजन जय दुख भंजन नटवर निर्गुण जगत मुरारी यदुकुल चंदन देनिक नंदन कष्ट नष्ट कर बांके बिहारी। हाय बनवारी सुन ले अर्ज हमारी किरदारी कर दे दूर बीमारी। बनवारी सुन ले अर्ज हमारी किरदारी कर दे दूर बीमारी। तड़प रही है कन्हैया बिचारी तड़प रही है कन्हैया बिचारी सर से पांव तक सारी। बनवारी सुन ले अर्ज हमारी गिरधारी कर दे दूर बीमारी। चाहे जिन हो चाहे भूत बन जा बंदे का तू पूत मेरे पास है ऐसा सबूत तेरी समझ गया करतूत। ऐसा मारू मुंह पे जूत भैया तू क्यों डरता है। ऐसा मारू मुंह पे जूत तेरा बन जाए ताबूत। उठ रख मुठ ले भक भूत और भुट सवारी 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 भूत की करूंगा मैं सवारी। बनवारी सुन ले अर्ज हमारी गिरधारी कर दे दूर बीमारी। मेरे पास दवाइयां चार चुटकी काढ़ा और नसवार चौथी कर लाया तैयार चुटकी अंदर बीमारी बार। तेरे प्यार का ये बुखार लगता है भैया तुझे भी पीड़ है। तेरे प्यार का ये बुखार दूंगा मिनटों में उतार। रख ले तू चख बेशक ले सारे तू भक्त। चल ये बुंदे और नथ और दे दे हाथ में हथ चल पड़े प्रीत का रथ। ओ जाता कहां बेटा डैडी की भी खुल गई आंख। एक बारी एक बारी आज तू बचा ले बनवारी गिरधारी आज तू बचा ले एक बारी। मुरारी चल पड़ी यार की सवारी। बनवारी आज तू बचा ले बनवारी। सीजी क्या तुम्हारे पिता इस जहर खान लगे हैं? क्या तुम उनका कहना मानो और उनकी जान बचा लो। अरे ये क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दे बेटे, मुझे छोड़ दे। ये सब कुछ मैं तेरे फायदे के वास्ते कर रहा हूँ। तू जमुना के साथ अपना ब्याह होते नहीं देख सकता तो मैं लीला के साथ तेरे साथ फेरे होते ही नहीं देख सकता। जहर खा के तुझे मुक्त कर रहा हूँ। तेरे मरने के बाद अपनी मनमानी कर लेना।
न मैं होगा न तुझे रोकूंगा, छोड़ दे रहा हूँ। नहीं डैडी नहीं। ठीक है, यही ना कि मैं राय बहादुर की बेटी जमना से विवाह करूँ, मैं आपके लिए कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार हूँ, पर आप अपनी छत्र छाया मेरे सर पर हमेशा रहें दो डैडी। जुग जुग जी दान, तू जुग जुग जी, तू जुग जुग जी, तू जुग जुग जी। मुझे भी देना। अरे तुझे, और तू सारी शीशी पी जा, मेरा बेटा मेरी बात मान गया है। गब्बर जी सरकार, कपूर सिल्क मिल का जो बंदा कैश लेकर जाने वाला है उसे तो तोड़ लिया है। तोड़ लिया सर। एक बार और सुन ले, दो बजे कैश जाएगा। जो मैंने जगह तुझे दिखाई है वहाँ तुम लोग रहोगे, जो तरीका मैंने तुम्हें सिखाया है उस तरीके से उसे लूट के मेरे यहाँ ले आओगे। ले आएंगे सरकार। और गब्बर सुन ले, इसमें अगर कोई गलती हुई है तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। और गलती हो ही नहीं सकती, आप गब्बर का कमाल तो देखो। चालू काम चालू कर, ये हुई ना बात। पहलवान जी। जी उस्ताद जी। अरे तू 24 घंटे डन बैठकी करता रहेगा, तूने रात के जश्न का क्या किया है? आज रात को तुम्हारे जश्न की पूरी तैयारी कर दी है जी। क्या कर दिया? आज रात को बिल्ली भाई आ रही है जी। बिल्ली भाई, बिल्ली भाई की जय। सुरमी की सलाई रे, बिलियां बिलियां अखां दे विच सुरमी की सलाई रे। दिलों को बचाओ लोगो, दिलों को बचा दो कि मैं आई रे, मैं आई रे। बिलियां बिलियां अखां दे विच सुरमी की सलाई रे, बिलियां बिलियां आंख मिला के आंखों से वो
गली से निकल जाऊं, जिद की गली से निकल जाऊं, वो ही करे इशारे बांध कतारे, बैठी ही जाए बांध कतारे, बैठी ही जाए शहर के सभी सारे मेहमानों को ले जाओ ऊपर के कमरे में बिठाओ और उनकी खातिर करो। चलो चलो बलवान चलो। अरे बिल्ली, किस बगले ने तेरा नाम बिल्ली रख दिया है? वो हिरनी है, हिरनी। तुम भी तो शेर हो, इसलिए तो तुम्हारे पास आई। पिछली बार तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हें हीरे का हार दूंगा। ओ मिट्टी पे हीरे के हार पे, आज तो तू प्यार के साथ मेरे गले का हार बन जा मेरी जान। सरकार, आए कौन है बे? मैं गबर सरकार, मैं हूँ। सरकार, अभी अभी रेडियो पे खबर आई है कि जो माल हम लूट के ले आए उसकी खबर सरकार को देने वाले को 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। वाह वाह वारी सरकार मेरी। अरे जाए, कोई ऐसा माँ का लाल जन्मा नहीं जो इस इनाम को जीत के ले जावे। तो फोटी हाथ से सरकार, मुझे जरा अपनी किस्मत जगा लेने। अन्नो मेरी रानी, जल्दी कपड़े ला, मेरी तो गाड़ी जाने वाली है। हाँ तुम्हारी तो गाड़ी चली जाएगी, मेरा क्या होगा? हमारी गाड़ी कौन चलाएगा? जरा मिठाना बोलो, मैं क्या करा? मेरे कपड़े कहाँ है? मैंने अपने पास रख लिए तुम्हारी निशानी, तुम नहीं तो तुम्हारे कपड़े ही सही। जरा मिठाना बोला करो, तो फिर मेरा भी जाने का प्रोग्राम कैंसिल करने को दिल कर आता है। मैं क्या करा, सच कर मंजा ढुकवा लेना। हाँ, तो मंजी को अच्छी तरह ना जाओ ना। मैं की करा, गवर्नमेंट की नौकरी जो ही जाना तो पड़ेगा ही। मैं की करा, जब तू होती है ना तो मेरा कोई कपड़ा डालने को दिल नहीं करता। तुम ऐसा करो, मेरे कपड़े मेरी निशानी समझ कर पहन लो। तू हीर सियालती है, तू सोनी महीवाल की है, तू रानी ख्याल की है, तू गोरी कमाल की है। कल उस्ताद के कब्जे में हूँ, तुम बिल्ली बाई की मौसी बन के आओ और मुझे बचा लो लीला। ओ भाई दरवाजा तो खोल। कौन है तू? अरे हम इज्जत वाले हैं, शरीफ आदमी को भेज बात करने के लिए।
अरे मुझसे ज्यादा शरीफ आदमी कौन है, पर तू है कौन? मैं बिल्ली भाई की मासी हिल्ली भाई हूँ। हिल्ली भाई? ओ हिल्ली भाई, तू तो बिल्ली भाई से भी अच्छा हिलती है मेरी जान। बाहर ना हिल, तू अंदर आके मिल। नहीं नहीं नहीं, हम कोठी वाले हैं, प्रेम प्यार की बातें नीचे नहीं करते। हिल्ली भाई तुझे ऊपर ले चलूं? आजा कोठे पे, आजा कोई नहीं आएगा। हिल्ली भाई बैठ जा आराम से बैठ जा। बुरखा उतार दे, उतार दे बुरखा। अरे शर्म का है कि उतार दे बुरखा। अरे मैं तेरा सुंदर मुखड़ा देखने वास्ते बेताब हूँ। मैं मर जाऊँ, तुम भी तो मेहताब हो। अरे मेहताब मेरी हिल्ली भाई। अरे कोई आ गया। क्या बात है पहलवान? अरे तू अंदर किसके साथ बातें कर रहा था यार? अरे यहाँ बिल्ली भाई की मौसी हिल्ली भाई आई है, बड़ी सुंदर सी है। ओए बल्ले, तो तू फिर यहाँ ठहर, मुझे जाने थे जरा। अरे तू यहाँ ठहर, मैं जरा अच्छी तरह से पटा लूं तो दूध उध पी और मेरे लिए भी दूध ले आ पहलवान। तू ऐसा कर, तू उसे पटा और मैं दूध उध पीकर तेरे लिए दूध लेकर आया। अच्छा तू फिक्र न कर। शाबाश, कदर गई, कहां गई वो बिल्ली भाई? जल्दी कर भैया, जल्दी खोल। आया बहन आया, आ गया। भैया आज तूने मुझे बचा लिया। और भाई होते किस लिए? तुझे कहा नहीं था जब भी तुझ पे मुसीबत पड़ेगी ये भाई तेरे बचाने के लिए आएगा? चल सुन भैया, इसमें लूट का माल है। लूट का माल है? हाँ। तो लूटे ना। इसके अंदर? हाँ इसी के अंदर। तू चल, तू नीचे ठहर, मैं जरा अपने मशूक का बंदोबस्त करके आता हूँ। हाँ चल। वो मेरी जान, मैं तेरे लिए दूध लेकर आया हूँ। उतरा उठ तो सही, हाय मैं मर जाऊँ। हाँ हाय बिल्ली भाई की मासी, जरा चादर तो उठा। अरे हाय हाय तेरी क्या बात है, अरे जरा मेरे पास तो आ जा। हाय मैं मर जाऊँ बिल्ली भाई की मासी। अरे हाय तेरी, अरे 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 तू, अरे तू, अरे शर्म नहीं आती? मैं तो सिर्फ बिल्ली भाई की मासी बन जाता। अरे वो माल भी गायब है। अरे पहलवान मारेगा पहलवान, अब क्या होगा? जल्दी पहलवान भाई, जल्दी उठा दे मारो यार। सरकार सरकार सरकार, गजब हो गया सरकार। अरे हुआ क्या, बोलो ना सरकार। एक औरत आई थी बिल्ली भाई की मौसी बनकर, वो लीला को उठा के ले गई, सारा माल भी ले गई।
लीला को उठा के ले गई। हाँ सरकार। सारा माल ले गई। हाँ सरकार। और तुम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ मर गए थे तुम लोग? हमें बेवकूफ बना के लगे। निकल जाओ कुत्ते कहीं के। हायर कोई डर नहीं, कल्लू उस्ताद से बच के कहाँ जाएगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया है गंगाराम, देश को तुम पर नाज है। ये लो 25,000 की चिट्ठी जो सरकार ने नाम रखा है, सवेरे खजाना खुलते ही कैश करा लेना। बड़ी मेहरबानी हजूर। वैसे तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, पुलिस हमेशा तुम्हारे साथ। हजूर पुलिस साथ हो या ना हो, गंगाराम अच्छे काम करने से डरने वाला नहीं है। क्यों बहन? हाँ, चले। मारी गई भैया। क्या हुआ? सतीश की बारात जा रही है। ये तो और भी मुसीबत आ गई बहना। क्या हुआ? मुझे लगता है सतीश की बारात मेरे जमुना के घर जा रही है। क्या? चल जल्दी आ। पंजाबी है ओ नानो, जुल्फ तेरी बंगाली, जुल्फ तेरी बंगाली, अज नखरा तेरा राजस्थानी, अज चाल है दिल्ली वाली, हो चाल है दिल्ली वाली। सुन सोनिए सुन गोरिए, हाय हाय हाय, तेरे हुस्न के बड़े धमाके, मेरे दिल पे डाल के डाके, तेरे हुस्न के बड़े धमाके डाल के डाके, चले तू जब तन तन के, चले तू जब तन तन के। ओ नित जुल्फों में फंस जाऊं थोड़ी, गुलाब का मैं फूल बन के, हाय हाय गुलाब का मैं फूल बन के, तेरी जुल्फों में फंस जाऊं थोड़ी, गुलाब का मैं फूल बन के, आओ गुलाब का मैं फूल बन के। लाला जी सतीश की बारात तुम्हारे कर्जदार राय बहादुर के घर जा रही है। जमुना की शादी? ये कैसे हो सकता है? तुम डिग्री हाथ में पकड़ के बैठे रहो, राय बहादुर जमुना का ब्याह किसी और से कर रहा है। हे धीरू सिंह,
ये ब्याह मैं नहीं होने दूंगा। मेरे पास डिग्री विग्री नहीं, मेरे पास कुर्की की डिग्री है। हाय रे चांद चमुकड़ा, चुप रह, नजर ना लगा चांद की दुल्हन को। बारात आ गई, बारात आ गई, चलो चलो चलो, बारात आ गई, चलो भाई बारात आ गई, बारात। लड़का लड़की को वरमाला पहनाएगा। ओम भूर बात बात भाई रोक। जय शंकर जय शंकर। उतरो उतरो। आदावर में हजूर, आप मशहूर कमाल पाटे खान हो ना? इसमें कोई शक है? हजूर यहाँ गाने के वास्ते आए हैं? पहले तो हमें कोई गाने के लिए बुलाता नहीं, पर जब से इस जवान लड़की से शादी की है सारे बुलाने लगे। हजूर मेरा काम करेंगे? बोल। हजूर मेरी मशहूर का ब्याह मेरे रकीब से हो रहा है। रकीब के साथ? हाँ जी। हजूर मेरी मदद करो कुछ। हम आशिकों के आशिक हैं, तेरा काम हो जाएगा। थैंक यू। आदाबर आदाबर। कहता है दे बुढ़े को दिल के, तुझको जाए खजाना मिल। मैं तेरा हाँ तेरा रे तेरा होके रह गया, मैं तेरा होके रह गया। रे बुढ़ा पीछे पड़ गया, रे बुढ़ा पीछे पड़ गया। मिला के ले जाऊं तख्त हजारे, अखियों से मैं अखियां मिला के ले जाऊं तख्त हजारे। रात को चढ़ता सूरज देखे, सूरज देखे, रात को चढ़ता सूरज देखे, दिन में दिखाऊं तारे। ले आ शंकर दादा और धर्मा, री वो तेरे दो उचक्के, दोनों को दूंगा ऐसे धक्के, उनके मैं छुड़ा दूं छक्के। जो मेरी राह में आ गया, मैं तेरा री तेरा हो तेरा होके रह गया। उठा पीछे पड़ गया। नहीं ये तेरे बस का प्यार मेरा अनमोल, रोग नहीं
सारी ले लूं तुझको, जान बेच के ले लूं तुझको, प्यार की बोली बोल दी सुन के दिल की खिड़की खोल। ऐसे चाल न चलना बेटा, जिनका जिससे भी था प्यार, आपके मिल जाएंगे यार, तू तो खाली रह गया। ओ बुढ़ा पीछे पड़ गया, रे बुढ़ा पीछे पड़ गया। तेरे गाल के ऊपर दिल कहता है दे बुढ़े को दिल, के तुझको जाए खजाना मिल। मैं तेरा दी तेरा हो, तेरा होके रह गया, मैं तेरा होके रह गया। रे बुढ़ा पीछे पड़ गया, तेरा दिल भूखा रह गया, तेरा दिल सूखा रह गया, बुढ़ा अकेला रह गया, तेरा तो कुछ ना रह गया। कस्तूरी, जमुना को ले आ, डोली का वक्त हो गया है। लाला जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। ये लो दान दहेज की लिस्ट और दान दहेज संभालो। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। मोटर टेलीविजन और राय बहादुर, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। राजा किशन सेठ जी, विवाह किस पंडित ने करवाया है, लो संभालो सारा दहेज। अरे ठहर जा लाला, दान दहेज को हाथ नहीं लगाना, मेरे साथ डिग्री है, इस घर से दान दहेज की कोई चीज बाहर नहीं जाएगी। चुप करे दान दहेज के मामे, अगर दान दहेज नहीं तो लड़की भी नहीं जाएगी। लाला जी आप जरा चुप रहिए, जानकी दास क्या कर रहे हो, मेरी इज्जत का सवाल। अरे ये तेरी इज्जत का सवाल है, तू मेरे रुपए का सवाल है, मेरे दान दहेज का सवाल है। अरे चुप रे लाला, खोपड़ी का फरा खाम खाकी। इन दोनों का ब्याह हो चुका है, आप कोई भी ताकत इस जोड़े को अलग नहीं कर सकती। जमुना तुम, ये कौन है? राधे कृष्ण, तू मेरी बहू? हाँ सतीश, मैं। तेरे साथ धोखा, मुझे यह ब्याह मंजूर नहीं है। तुझे तो क्या, तेरे बाप को भी मंजूर करना पड़ेगा, मंजूर नहीं है। अरे बाबू, साथ तेरे लेने से ब्याह नहीं हो जाता है। ज्यादा मत बोल, तेरा भी करवा दूंगा। ठहर जा लाला, तू ऐसे शोर ना मचा। ए राय बहादुर, तू मुझे जमुना के साथ तीन फेरे ही दे दे, वरना। वरना क्या? वरना मैं तो इस घर का भांडा तिनका तक कुड़की करके ले जाऊंगा। रहन दे तकले। तकले? ज्यादा बकवास करेगा तो तुझे कुड़क कर दूंगा। कितने की कुड़की है? 25,000। 25,000 ये ले अपना पकड़, 25,000। अरे इस पर्ची का क्या करूंगा? अरे इसको पर्ची मत बोल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चेक है, अंदर हो जाएगा। गंगा मेरा बेटा, तूने आज भरी बिरादरी में मेरी इज्जत रख ली, ये तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं अपनी जमुना का हाथ तेरे हाथ में रखूंगा, इसको हिला तो भून के रख दूंगा, समझे? लीला कहाँ है बिल्ली बाई की मासी? बिल्ली बाई की मासी और तेरा मासा दोनों यहाँ खड़े। अच्छा तो तू यहाँ खड़ा है, तो निकाल माल मेरा। माल तेरा नहीं था, माल था सरकारी, वो ले गई सरकार। माल सरकार ले गई? ले गई। जान मैं ले लूंगा तेरी। खबरदार, तू छोड़ दे पिस्तौल, उठा ले हाथ ऊपर को। तुमने मिल का माल लूटा, लीला का अगवा किया, इन्हीं दोनों जुर्मों में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ए जानकी दास, ये चेक गंगाराम के हवाले कर दे। रात में तो कभी पूर्ति हुई नहीं, तुम कहाँ से ले आए? और ये बैलब भी नकली ले आया है। बैलब भी नकली है? हाँ। पकड़ो इन सबको। पापा क्या करता है साहब? अब मुनि जी, लाला गिरधारी लाल को भी ले जाओ, ये दहेज का लालची और समाज का मिसालची है। चलो अब किधर जा रहा है लाला? मुझे सब कुछ पता है, तू जहर का बहाना करके अमृत धारा पिया था और मुझे बेवकूफ बनाया था, तेरे जैसे दहेज के लालची को सजा मिलनी चाहिए। मुनि जी मैं तो मजाक कर रहा था। सरकार नहीं मजाक करती है लाला, अब तो मुश्किल से खुलेगा हवालात का ताला। ले चलो इन सबको। चलो 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 चलो। राय बहादुर, अब हमें आशीर्वाद दो। हाँ बेटे,
जमुना लाओ हाथ, ये लो। लो भाइयों, गंगा को तुम्हें लिए जमुना। तुम अपने अपने घर जाओ और अपनी जमुना को जाके देखो, मेरी जमुना को मत देखो, जाओ।